हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। टाइटल से ही समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, फार्माकोग्नोसी को हमें आसान बनाना है और उसमें मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यस, हम इस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अगर उसका आंसर ये वाला है तो क्यों है और बाकी के तीन ऑप्शन क्यों नहीं है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ग्लाइकोसाइड का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। हम ऑलरेडी दो पार्ट उसका शेयर कर चुके हैं एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स। यस, सो चलिए मूविंग ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। That propane alkaloids are biosynthesized from which amino acid? 2018 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया है कि ट्रोपेन जो एल्कलॉइड है वो किस अमीनो एसिड से सिंथेसाइज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सिंथेसिस में से एल्कलॉइड की। जी हाँ, मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले फिनाइल एलानिन, ऑप्शन बी इज टायरोसिन, ऑप्शन सी इज ऑर्निथिन, ऑप्शन डी इज ल्यूसिन। सो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड की सिंथेसिस में? सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑर्निथिन। जी हाँ, ऑर्निथिन हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड की बायोसिंथेसिस में यूज होता है, जो कि हमारा अमीनो एसिड है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल सा आंसर था। चलिए इसको और आसान बना लेते हैं विद आर एक्सप्लेनेशन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड, हमें यह जानना है। ठीक है, ट्रोपेन एल्कलॉइड आर अ क्लास ऑफ बाईसाइक्लिक एल्कलॉइड। जी हां, एंड दे आर दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स क्यों बोला गया ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में ट्रोपेन रिंग प्रेजेंट रहती है। और मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से ड्रग्स और कौन कौन से प्लांट्स ट्रोपेन एल्कलॉइड की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करूँ ट्रोपेन एल्कलॉइड कौन सी फैमिली का मेंबर है, सोलिनेसी, एंड इट इज बायोसिंथेसाइज फ्रॉम ऑर्निथिन। देखिए सारा रीड आउट करके नहीं समझाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, सेकंड इज फिनाइल एलिनिन, जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था, फिनाइल एलिनिन क्या है, अरे ये भी तो जानना है। ऐसा थोड़ी ना कि सही आंसर कर लिया उसके बाद हम चल दिया आगे, नहीं, अभी हमें और बाकी तीन ऑप्शन भी देखने कि वो तीन ऑप्शन क्या थे। बहुत सिंपल, फिनाइल एलिनिन इज द प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मेस्कलिन एंड एपेड्रिन। जी हाँ, फिनाइल एलिनिन हमारा प्रीकर्सर है किसके लिए, मेस्कलिन के लिए, एपेड्रिन के लिए। लीजिए, एक और पॉइंट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब तीसरे की बात करें, टायरोसिन क्या है, फिर टायरोसिन भी ऑप्शन में दिया हुआ था, टायरोसिन हमारा क्या है, इट इज द प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ पेपेवेरिन, मॉर्फिन, एमिटिन एंड कोल्चिसिन। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको मार्क इसको डबल स्टार मार्क कर लेंगे। जी हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नाउ फोर्थ वन, ल्यूसिन भी ऑप्शन में था, ल्यूसिन क्या है, ल्यूसिन हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है विच इज यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्या इसमें कुछ हार्ड था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल एक्सप्लेनेशन था, इतना भी कर लेंगे मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। चलिए सेकेंड देखिए, अभी हम लोग, मैंने बताया था ट्रोपेन एल्कलॉइड की जो जो कैटेगरी में जो जो प्लांट्स आते हैं वो होते हैं बेलाडोना, दतूरा, स्ट्रामोनियम एंड हायोसाइमस। जी हाँ, ये चार प्लांट्स हैं जो ट्रोपेन एल्कलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिंग हैविंग विच प्रॉपर्टी, यहाँ पे पूछा गया है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिंग की क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी है, क्या वो एंटी स्टामिनिक है, क्या वो एज एन एंटी मलेरियल यूज होती है, क्या वो एज एन एंटी कैंसर, और क्या वो एंटी अल्सर की तरह यूज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज एंटी कैंसर। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन एज एन एंटी कैंसर यूज होती हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, हम ऑलरेडी जानते भी हैं। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होता है विन का। देखिए
मेनली जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है वो हमारे विनका से ऑप्टेन होता है, ठीक है। हम इसको पेरीविंकल भी बोलते हैं और एक अच्छा सा नाम है हिंदी में, बोलते हैं सदाबहार। जी हाँ, चलिए सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, सदाबहार पूछ लिया जाता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स कैथेरेंथस रोजियस, इसमें कोई प्लांट यूज नहीं कर, इसमें कोई पार्ट नहीं यूज करते, इसमें पूरा प्लांट से मिलता है हमें, तभी बोला है ड्राइड होल प्लांट। अगर किसी पार्ट से मिलता तो राइजोम, रूट, लीव्स और एपिडर्मिस, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, समझ गए, बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं, फैमिली एपोसाइनेसी एंड दी यूजेस। नाउ यूजेस की बात करें अगर हम, दैट विनब्लास्टिन इज यूज टू ट्रीट हॉजकिंस डिजीज, अ फॉर्म ऑफ लिम्फोइड कैंसर, तभी इसको एंटी कैंसर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। एंड विनक्रिस्टिन जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है देन विनब्लास्टिन, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, और इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता इस टॉपिक में से, ठीक है, क्लियर हो गया है। नाउ चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, रेसरपीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम रॉ वोल्फिया, जो रेसरपीन हमारा रॉ वोल्फिया से आइसोलेट किया जाता है वो क्या है, क्या राइजोम से किया जाता है, क्या लीव से किया जाता है, क्या स्टेम से किया जाता है, तो क्या रूट से किया जाता है, किस पार्ट से हमें रेसरपीन मिलता है रॉ वोल्फिया में से। हमें देखिए एक पॉइंट क्लियर हो गया, क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझे कि रॉ वोल्फिया में से रेसरपीन तो ऑप्टेन होता है, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया, पर रॉ वोल्फिया में क्या पार्ट यूज करते हैं, जैसे हमने विनका में पूरा प्लांट यूज किया, पर रॉ वोल्फिया में हम कोई पार्ट यूज करते हैं, वो कौन सा है वो भी जान लेते हैं, दैट इज द रूट पोर्शन। जी हाँ, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेसरपीन, देखिए रेसरपीन हमारा रॉ वोल्फिया में से ऑप्टेन होता है, ये एक पॉइंट है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, रॉ वोल्फिया हमारा इंडोल एल्कलॉइड होता है, लिख लीजिएगा, डबल मार्क कर लीजिएगा, इंडोल एल्कलॉइड, जी हाँ, और रूट से मिलता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या है, रूट्स ऑफ रॉ वोल्फिया सर्पेंटीन एंड वोमिटेरिया, एंड इट इज एन एड्रेनर्जिक अपटेक इनहिबिटर विद एन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, ये पूछा जा सकता है, इसको और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बचा एक क्वेश्चन हमें यहां से मिल सकता है कि रॉ वोल्फिया का या रेसरपीन का क्या यूज है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा, छोड़ना नहीं है, बहुत प्यार से कर लेंगे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्यों हार्ड है, क्योंकि हम हार्ड समझते हैं, हमें बोला गया कि बोरिंग है, हमने पढ़ा नहीं, हम पहले से अज्यूम कर लिए कि फार्माकोग्नोसी बहुत हार्ड है, अरे बहुत इजी करके, वी हैव टू मेक इट इजी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम अश्योरिंग यू। चलिए नेक्स्ट इज रेसरपीन क्या है, लिपिड सॉल्यूबल है, जी हाँ, लिपिड सॉल्यूबल है तो पेनिट्रेट तो करेगा ही बच्चा लोग ब्लड ब्रेन बैरियर, अगर लिपिड सॉल्यूबल है तो पेनिट्रेट करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर। तीसरी बात, हमने राइजोम ऑप्शन में था, तो राइजोम हम किस किस ड्रग का यूज करते हैं, हम जिंजर का यूज करते हैं, डाइस्कोरिया का करते हैं, ट्यूब टर्मरिक, रूबार एंड मेल फर्न, ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। लीफ टोबैको की यूज होती है, बेलाडोना, दतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, एंड दी स्टेम इज ऑफ लोबेलिया, सिंकोना एंड क्यूरारे। जी हाँ, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपके तीन चार पॉइंट क्लियर हो गए यहां से, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग ड्रग्स आर बिलोंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास एक्सेप्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इट इज एन अमेजिंग क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज करा जाता है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल होते हैं यार क्वेश्चन, बहुत सिंपल, आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे ना क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता है, बस डर जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अलग है, बस उनका पैटर्न अलग है, वो पूछते किसी और तरीके से हैं, यही तो डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, हमें बताना है ग्लाइकोसाइड क्लास, ठीक है, पर एक इसमें कुछ अलग है, इसका मतलब ये बोला गया है कि तीन तीन जो ऑप्शन है वो तो ग्लाइकोसाइड हैं, अगर हमने ग्लाइकोसाइड की वीडियो देखी होगी तो हमें पता होगा कौन कौन से ग्लाइकोसाइड हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, द करेक्ट आंसर इज दतूरा। दतूरा क्या है बच्चा लोग, बच्चा लोग दतूरा है आपका एल्कलॉइड, इसका मतलब एलो, जिनसेंग एंड सेना आपका ग्लाइकोसाइड है, इसको भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से। चलिए
दतूरा इज योर ट्रोपेन एल्कलॉइड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दतूरा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यार, ठीक है। एंड इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राई लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ दतूरा मेटल बिलोंगिंग टू द सोलिनेसी फैमिली, ठीक है। अब चलिए बाकी का, जो एलो और हमारा सेना है वो होता है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। बताया था एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, एंथ्रासीन मोइटी से बने होते हैं, C14H10 फॉर्मूला होता है। 2019 का 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नाउ जिनसेंग क्या है, जिनसेंग हमारा पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनोइड है, ठीक है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो समझ गए अब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू लीव्स क्लास। क्या पूछा गया है, वो ड्रग बताना है हमको जो लीव्स क्लास में नहीं रहता। मतलब हमें सेना, देखिए सीधी सी बात है, हमें यह बताना है कि जो एक ऐसा ड्रग जो हमें लीव से नहीं मिलता, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स। तो क्या आंसर है हमारा, टर्मेरिक। मतलब सेना की लीफ यूज करते हैं अगर हम पढ़े हैं, डिजिटलिस की भी लीफ यूज करते हैं और यूकेलिप्टिस की भी लीफ यूज करते हैं, तो टर्मरिक में क्या करते हैं, क्या हमें जानना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, चलिए समझते हैं। बहुत सिंपल, टर्मरिक क्या है पहले, सबसे पहले उससे पहले जानेंगे सेना क्या है। सेना हमें मिलता है लीफलेट से, पोड से ऑफ कैशिया एंगेस्टिफोलिया एंड कैशिया एक्यूटिफोलिया। इंडियन सेना और टिनिवलिया, इंडियन सेना और अलेक्जेंडर सेना जो मैं बताया था, फैमिली होती है हमारी लेग्यूमिनेसे सेना की, ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा, पैरासाइटिक प्रिज्मेटिक परगेटिव नेचर, तीन पी से, याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ट्रिक है ये हमारा। नेक्स्ट इज डिजिटलिस भी है हमारा, डिजिटलिस परप्यूरिया किसके लीव से मिलता है, फैमिली होगी हमारी स्क्रोफिलियोरेसी, ठीक है। नाउ टर्मरिक, टर्मरिक हमारा मेनली राइजोम जो कि आंसर है रूट से मिलता है, फैमिली होगी हमारी जिंजीबरेसी और इसका मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन हमारा, और जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की वजह से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ चलिए नेक्स्ट, यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल हम भूल गए थे, यूकेलिप्टस ऑयल भी हमें कहाँ से मिलता है, फ्रेश लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ग्लोबुलस फैमिली मारिटेसी, और ये मेनली हमें डिस्टिलेशन की हेल्प से मिलता है, याद रखिएगा, डिस्टिलेशन, ठीक है, बाय डिस्टिलेशन, ऑब्टेंड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फ्रेश लीव्स, ठीक है, समझ गए। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास। वो ड्रग बताना है जो फ्रूट क्लास से ऑब्टेन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तीन होती हैं, एक नहीं होती, वो कौन सी है, वो होती है एरगट, याद रखिएगा। एरगट मैं पहले में भी बताया था, एरगट हमारा इंडोल एल्कलॉइड है, ये हम एक बात पता लग गया है, इट इज एन इंडोल एल्कलॉइड, ठीक है। और वेनरक्स रिएजेंट इसी में पढ़ने वाले थे, तो इसका मतलब ये इंडोल एल्कलॉइड है और ये एक फंगस है, याद रखिएगा, फंगस है एरगट एक। इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, लाइफ साइकिल इसकी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंडोल एल्कलॉइड में है एरगट, ठीक है। चलिए जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, एरगट क्या है। एरगट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ अ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया। मैंने बताया था फंगस है, फैमिली क्लेविसेप्टेसी, डेवलप्ड इन द ओवरी ऑफ राई, ये राई की ओवरी में डेवलप होती है, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, एरगट हमारा कोई प्लांट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो क्या है हमारा एरगट मिली फंगस है। नाउ नेक्स्ट इज फेनल क्या है। फेनल हमें फ्रूट से मिलता है, किसके, ड्राइड फ्रूट से, फोइनिकुलम वल्गैरे, फैमिली अम्बेलीफेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट कोरिएंडर हमें कहाँ से मिलता है, कोरिएंडर भी हमें ड्राइड फ्रूट से मिलता है, कोरिएंडरम सेटाइवम से, फैमिली होगी हमारी अम्बेलीफेरे, ये हम समझ गए हैं। नेक्स्ट इज डिल, डिल हमें कहाँ से मिलता है, ये भी ड्राई फ्रूट से मिलता है, यही पूछा गया था, तीन मिलते हैं ड्राई फ्रूट से, तो चौथा कहां से मिलता है, चौथा तो हमारा फंगस है यार, हम इतना सा समझ गए, तो अगर पढ़ा होगा तो हम पक्का लगा देंगे, पक्का करेक्ट आंसर करके आएंगे, याद रखना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट पॉलीगोनल शेप सेल इन अ टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ, पॉलीगोनल शेप किस में होती है, किसका टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलीगोनल का मतलब इस तरीके की सेल प्रेजेंट रहती है,
इस तरीके की शेप प्रेजेंट रहती है। इडियोब्लास्ट भी रहता है इस वाले ड्रग में। अरे क्या बता दिया सर, सर थैलियोक्विन टेस्ट भी होता है उस ड्रग का जिसमें पॉलीगोनल, इस ऑप्शन में। तो क्या है करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सिंकोना। सिंकोना को याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इसको जेसुट्स बार्क भी बोला जाता है, याद रखिएगा इसका सिनोनिम जेसुट्स बार्क। जी हाँ, और मेनली इसका जो टेस्ट होता है वो थैलियोक्विन टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थैलियोक्विन टेस्ट। एक और चीज़ बताई मैंने, थैलियोक्विन टेस्ट में क्या कलर मिलेगा हमें? एमराल्ड ग्रीन कलर मिलेगा, याद रखिएगा एमराल्ड ग्रीन कलर हमें मिलेगा, एमराल्ड ग्रीन कलर मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, क्या था जो कि ऑप्शन में पूछा गया था, पॉलीगोनल सेल रहती है इसमें, पॉलीगोनल शेप का, ठीक है, पॉलीगोनल सेल। तीन चीज़ें याद कर ली, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बता देंगे, कितना सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेलीडोना लीफ एडल्ट्रेटेड विद। बेलीडोना लीफ किससे एडल्ट्रेट किया जाता है? एडल्ट्रेंट क्या होता है? देखिए एडल्ट्रेंट मैं बता दूं आपको, सीधा सा भी ऑप्शन देख लीजिए, एडल्ट्रेंट वो चीज़ होती है कि हम किसी ओरिजिनल सब्सटेंस में उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट कर दें। एक लेमन की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, अगर हमने दूध में पानी मिला दिया तो हमारा पानी क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, एज एन एडल्ट्रेंट, क्योंकि उसमें नहीं पता लग रहा उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। हम मेनली बहुत सादा मिलावट का ज़माना है और ये चीज़ हमें समझनी है। तो कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज एलियंथस लीफ। बेलीडोना लीफ में एलियंथस लीफ हमारा एज एन क्या यूज़ होता है? एडल्ट्रेंट, सिंपल सा आंसर। नाउ चलिए एक्सप्लेनेशन। बेलीडोना लीफ को डेडली नाइट शेप्ड लीफ भी बोलते हैं, डेडली नाइट शेप्ड लीफ। जी हाँ, क्यों? क्योंकि रात में ये चमकती है बेलीडोना, और ये प्यूपिल को डायलेट करती है, याद रखें ना, ये प्यूपिल को डायलेट करती है। एक सिंपल सा, एक फनी सी चीज बताता हूँ, कैसे याद करोगे? बेलीडोना, कहीं ना कहीं बेली डांस याद आ रहा है, तो जो बेली डांस करती हैं फीमेल्स उनकी आईज डायलेट रहती है ना, तो उससे भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है। चलिए कहाँ से ऑप्टेन करते हैं? ऑप्टेन फ्रॉम ड्राई लीव्स ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलीडोना, दैट इज यूरोपियन वैरायटी, एंड एट्रोपा एक्यूमिनेटे, दैट इज इंडियन वैरायटी। इतना समझ गए हैं। फैमिली हमारी सोलेनेसी होती है, एंड एडल्ट्रेंट फाइटोलेका अमेरिकाना, सोलेनम नाइग्रम, एंड एलियंथस ग्लैंडुलोसा, ये तीन हैं एडल्ट्रेंट, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं, ये तीनों एडल्ट्रेंट हैं। अगर हो सकता है तीनों पूछ ले एंड ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दे दे, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं सर हो नहीं सकता, अरे हो सकता है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, वी हैव टू फाइट बैक। फाइट लड़ना नहीं है, समझ के करना है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलिए नाउ यूजेस की बात करें, पैरासिंपैथेटिक ड्रग विद एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स पूछा बच्चा लोग, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सेना का है, कैस्केरा का है, नक्स वोमिका का है, वसाका का है, किसका है? चलिए बता देते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसका आंसर है? दैट इज नक्स वोमिका। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हमारा किस में पाया जाता है? नक्स वोमिका में पाया जाता है। सर आज के बाद नहीं भूलेंगे, नहीं भूलने दूंगा। चलिए नाउ एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें? नक्स वोमिका में भी पाए जाते हैं, स्ट्रोफेंथस में। माय गॉड, एक और नई बात पता लग गई कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स नक्स वोमिका और स्ट्रोफेंथस में पाए जाते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, वॉर्टी ट्राइकोम्स सेना में पाए जाते हैं, वॉर्टी ट्राइकोम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स वसाका एंड पाइपर बैटल में पाया जाता है, एंड ट्राइकोम्स आर नॉट फाउंड इन द कैस्केरा प्लांट, ये एक और बात बता दी मैंने बहुत अच्छी सी, भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा, ये याद करना है, हार्ड नहीं है बच्चों, मैं अभी भी आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ, आपको एश्योर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड और टिपिकल सब्जेक्ट। अगर इसको कर लिया सो रैंक आपकी मुट्ठी में होगी, याद रखिएगा, मेरे शब्द हैं, याद रखिएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। क्यों इन्फ्लुएंस दे रहा हूँ इस बात पे? क्योंकि ये रैंक सिक्योरिंग सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट आपने कर लिए, अगर फार्माकोग्नोसी कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट इज 10th, दैट द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट, मतलब ये पूछा गया है इनमें से कौन सा एक टेस्ट है जो मेनली एल्कलॉइड के लिए यूज नहीं होता। मतलब तीन होते हैं जनाब,
एक नहीं होता, तो एक वो कौन सा है, अगर एल्कलॉइड की वीडियो देखी होगी ना बच्चा लोग, सॉरी ग्लाइकोसाइड की, तो पता होगा दैट इज बॉन ट्रैगर टेस्ट। बॉन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्रेक्विनोन के लिए होता है, याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइड के लिए होता है, बाकी ये तीन एल्कलॉइड, ये वैगनर रिएजेंट और एग्रर और मेयर टेस्ट, ये एल्कलॉइड के लिए होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक सांस में। टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स, मेयर्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट में क्या यूज करेंगे, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, कैसे याद रखेंगे, एम फॉर मेयर्स एम फॉर मर्क्यूरिक, बोलेंगे नहीं। क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्रीमी प्रेसिपिटेट। वैगनर्स में पोटेशियम ट्राई आयोडाइड सॉल्यूशन, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि मेयर्स रिएजेंट आपका क्या कंटेन करता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। हैगर्स रिएजेंट पिक्रिक एसिड, येलो प्रेसिपिटेट कंटेन करता है। फिर बॉन ट्रैगर टेस्ट क्या करता है सर, किसके लिए होता है, ये रहा एंथ्रेक्विनोन मेनली। देखिए मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया हूँ क्योंकि स्पेशली सेना में भी होता है, ठीक है, पर ये मेनली सी और ओ ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। प्रोसीजर क्या है, ड्रग्स बॉइल, ड्रग को बॉइल करेंगे H2SO4 के साथ, फिर हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन मॉइटी मिल जाएगी अलग अलग, ठीक है, फिर उसको सेपरेट कर देंगे ऑर्गेनिक लेयर की हेल्प से, एंड आफ्टर दैट उसको हम ऐड कर देंगे NH3, और फिर एमोनिकल लेयर है जो वो है वो बिकम पिंक हो जाएगी, एमोनिकल लेयर पिंक हो जाएगी उसके बाद, जो प्रेजेंस शो करेगी एंथ्रेक्विनोन की। एंथ्रेक्विनोन होता है क्या, ग्लाइकोसाइड, तो ऑब्वियसली बात है बॉन ट्रैगर टेस्ट हमारा किसके लिए हुआ, ग्लाइकोसाइड के लिए हुआ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम और इससे अच्छे 10 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डोंट वरी, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आई विल बी देयर फॉर यू ईच एंड एवरी सेकेंड एंड 24/7। डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।